खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। प्रधानमंत्री ने आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 300 के पार जा रही हैं सीटें एनडीए की और दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस तो खुद ही सरकार बनाने की कोशिश करेगी, तो आपको हताशा नहीं होगी? नहीं, हताशा का तो कोई सवाल नहीं, ये तो कई दिनों से कह रहे हैं और अमित शाह जी तो बार बार दोहरा रहे हैं 300 के पार। पता नहीं ईवीएम पर सफ़र करके पहुंचना चाहते हैं या वैसे ही करना चाहते हैं। तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें 5 साल के बाद प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार आए, उसके अंदर उन्होंने किसी जर्नलिस्ट का सवाल का जवाब नहीं दिया और अपनी सारी बला जो है उन्होंने अपने अध्यक्ष पर टाल दी कि वही उसका जवाब देंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री नर्वस हैं। वो नर्वस क्यों हैं? दो बातों से। प्रधानमंत्री के नर्वस होने की पहली वजह यह है कि उन सवालों का जो उनसे एक्सपेक्टेड थे कि पूछे जाएंगे, जो इंटरव्यू में नहीं पूछे जा सकते हैं और नहीं पूछे जाते थे, वो सवाल यहाँ उभर कर ज़रूर आएंगे और उसमें वो ज़्यादातर सवाल होंगे जो उनके वादों से मुतालिक हैं 2014 के। जाहिर है उसका तो कोई जवाब प्रधानमंत्री के पास है नहीं। दूसरा इसलिए नर्वस थे कि उनको शायद अपने सूत्रों से ये खबर मिल गई कि वो चुनाव हार रहे हैं और उनकी सरकार वापस नहीं आ रही है। ये नर्वसनेस उनके चेहरे पर नज़र आ रही थी। कभी कभी वो कोशिश करते थे कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो दिखाएं, जो उनमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज मैं देख रहा था कि वो बड़े हद तक उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि जैसे वो बैठे हुए काफ़ी नर्वस हैं। अमित शाह जी ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा को जो उन्होंने लड़ाया है, भगवा आतंकवाद की जो बात कांग्रेस ने की या की गई है, उसके खिलाफ एक मैंडेट लेने के लिए किया जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री ने कहा कि वो साध्वी प्रज्ञा को कभी माफ़ नहीं कर सकते। एक तरह से अमित शाह जी का ये बयान प्रधानमंत्री की बेइज्जती करने के मुतरादिफ है। उसी स्टेज पर बैठकर वो जिस तरह भगवा आतंकवाद को हिंदू आतंकवाद के नाम पर बात करके साध्वी को सपोर्ट कर रहे थे और दूसरी तरफ जिस तरह की ज़बान बात साध्वी ने बोली और जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि वो उनको बहुत बुरी लगी और वो उससे बिल्कुल एग्री नहीं करते, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मैं इसको कभी भी अब दिल से माफ़ नहीं कर सकता, और अमित शाह उस औरत को सपोर्ट कर रहे हैं और वो भी इस नाम पर कि भगवा आतंकवाद। अभी क्या तय हो गया? अभी कोई फैसला तो नहीं हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ये काम किसी और पार्टी ने कर दिया होता और किसी ऐसे आदमी को टिकट दे दिया होता जिस पर यही इल्ज़ाम होता, तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मुल्क में आग लगा दी होती है। और आज भारतीय जनता पार्टी इस मौके पर भी, जब गांधी जी के बारे में ऐसी हरकत किसने ने की जिसकी माफ़ी खुद बीजेपी ने मंगवाई, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री ये सब कह रहे हैं, आज फिर उसको सपोर्ट करना, ये क्या दर्शाता है? बुनियाद क्या है? इसकी बुनियाद है सोच, इसकी बुनियाद है विचारधारा। जिन लोगों की जो विचारधारा है वो उसे कितना ही छुपाने की कोशिश कर ले, वो छुपेगी नहीं, और पहले भी नहीं छुपी। पिछले 70 साल में बहुत बार ये विचारधारा सामने आई है जो गांधी जी के बारे में ऐसा बोला गया है। तो बुनियादी तौर पर जो राहुल जी कहते हैं कि हमारी लड़ाई विचारधारा की है, हम इसी विचारधारा से लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी इसी विचारधारा से लड़ रही है कि हम वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों की हमनवाई की, उनको सपोर्ट किया। चंद्रबाबू नायडू जी मिल रहे राहुल गांधी जी से, उसके बाद अखिलेश और मुलायम मायावती सबसे मुलाकात करेंगे, एक नए कॉम्बिनेशन बनाने की तैयारी चल रही है कांग्रेस? देखिए, ये तो नेचुरल है कि आने वाले वक्त के अंदर जो आकलन सभी लोग लगा रहे हैं कि एक सरकार आएगी, तो उसके लिए पहले से तैयारी करना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर इसलिए ज़रूरी है कि सामने जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी, वो सारे खेल करना जानती है और बहुत ढटाई के साथ सारे खेल खेलती है, और उसने खेले हैं पीछे, तो वो अपना बाज़ार ना सजा सकें और बाज़ार में लोगों की कीमत ना लगा सकें,
उससे पहले इंतजाम करना जरूरी है, इसलिए सब लोग लगे हुए हैं। राहुल गांधी जी ने कहा कि यूपी में हम बीजेपी को हराना हमारा प्राइम टारगेट था और वो हम लोगों ने किया है, तो कांग्रेस का वहाँ पे हारने के लिए इलेक्शन लड़े थे कितनी सीटों पर? नहीं, हम जीत भी रहे हैं। जाहिर है कि हम उत्तर प्रदेश में कभी भी इसलिए नहीं लड़े थे कि हम 70 सीटें जीतेंगे या 60 सीटें जीतेंगे। हमको अपनी पोजीशन के बारे में अच्छी तरह मालूम था, तो हमने उसी हिसाब से इलेक्शन लड़ा है और हम सीटें जीतेंगे। कुछ गठबंधन को जिताने के लिए लड़ा? नहीं, क्यों, गठबंधन अगर जीत रहा है गठबंधन, तो आने वाले वक्त में तो अपोजिशन जीत रही है ना, हमें कोई तकलीफ नहीं है इससे।